पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा के बैराड तहसील में एक आम सभा को संबोधित किया। इस आम सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा विकास यात्रा नहीं निकास यात्रा निकाल रही है। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने घोषणा मशीन बताया, साथ ही प्रदेश को भ्रष्टाचारी बताया। इस आम सभा में एक तरफ मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं की भीड़ थी, वहीं आम सभा में हजारों की संख्या में महिला पुरुष नौजवान उपस्थित थे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। विकास यात्रा नहीं, ये तो निकास यात्रा है। आज पूरे शासकीय तंत्र का उपयोग करके, शासकीय पैसों का, साधनों का उपयोग करके ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं। अगर जनता उनके साथ होती तो उनको ये शासकीय तंत्र, शासकीय खजाना का उपयोग नहीं करना पड़ता। तो ये आज तरह तरह के नाटक नौटंकी, कुछ दिन पहले इंदौर में इन्वेस्टर मीट करी, ये इनकी छठवीं या सातवीं इन्वेस्टर मीट थी। हमेशा ये घोषणा करते हैं 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़ निवेश आएगा, पर जो निवेश है पूरे देश में उसमें से 30 पैसे मध्य प्रदेश में आता है। ये हालत है क्योंकि मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं। ये नाटक नौटंकी से ये मीट कर लेने से, मीडिया की इवेंट कर लेने से कोई विश्वास नहीं होता। निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। चलिए अब आप पूछ लीजिए। कौन सी एकजुटता नहीं? आप और दिग्विजय सिंह जी ग्वालियर में पहुंचे तो वो वहां से लौट गए क्या? कौन लौट गए? दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल मेरे साथ मुरैना में थे, मेरे साथ। आज के गलत बात, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, मेरे साथ बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। मैं बताऊं, मेरे साथ दिग्विजय सिंह थे 5 दिन पहले, दिग्विजय सिंह थे, अरुण यादव थे। मुरैने सुन लीजिए, आपने जो बात कही वो गलत बात कही कि वो चले गए बीच में। वो मेरे साथ चले ग्वालियर से, हमें दिल्ली में मीटिंग में जाना था, मेरे साथ ग्वालियर गए। सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा में। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था, उन्होंने कहा आप कहाँ से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज़्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ, मैं छिंदवाड़ा ज़िले में सौंसर का हूँ, और सौंसर छिंदवाड़ा ज़िले में ही है, मेरा गांव जो है सौंसर में आता है। तो मेरे से ये कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों करते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, वो सोचेगी मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौंसर का नाम ही नहीं सुना होगा। सो सौंसर विधानसभा भी मेरा गाँव आता है। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मैं कहां से लड़ूंगा। ये बात कही, ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।